अज्ञात वाहन की टक्कर से कोई 35 वर्षीय युवक की मौत। दरअसल आपको बता दें, कन्नौज जनपद के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के लाख गांव निवासी इलियास पुत्र शौकत उम्र करीब 35 वर्ष रविवार की देर शाम मछली बेचकर अपने घर आ रहा था, तभी कलसान गांव के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया रोड पर जाम और न्याय की लगाई गुहार। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान विजय पाल राजपूत ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर खुलवाया जाम और न्याय दिलाने की बात कही। मृतक के चार छोटे छोटे बच्चे हैं। मृतक मेहनत मजदूरी करके घर परिवार का पालन पोषण करता था। इस मामले में जब इंदरगढ़ थाना प्रभारी से बात की गई तो बताया पुलिस मामले की जांच कर रही है, जल्द ही खुलासा कर कार्रवाई की जाएगी। मौत की सूचना मिलते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। मोहम्मद इकरार, कहाँ के रहने वाले हैं? लाख के। क्या घटना हुई है कल? वो स्टूडेंट हो गया है। किन का? इलियास का। कहाँ रहते हैं? लाख। किससे हुआ है? अब ये अज्ञात वाहन से हुआ है, ये जानकारी नहीं है किससे हुआ है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि ये पता लग जाए कौन वाहन से हुआ है, या कैमराज देखे जाएँ। कलसान में कैमरा भी है, मड़फरा भी है। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी। क्या बताया गया अभी तक? अभी तक यही बताया गया कि दिन में देखेंगे कैमरा वैमरा, फिर पता लगेगा। ठीक है, आपका क्या करना हुई है? भाई एक्सीडेंट खत्म हो गया। क्या नाम था? इलियास खान। कहाँ के निवासी हैं? लाख के। कैसे खत्म हुए, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? वो मछली बेच के आ रहे थे कलसान बाजार करके। थाना कौन सा पड़ता है? थाना इंदरगढ़। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि उसकी जानकारी वो गाड़ी वाला पकड़ा जाए। कौन गाड़ी से हुआ है? बताया जा रही है वो DCM। इनकी शादी हो गई थी, कितने बच्चे हैं? चार बच्चे हैं। ठीक है। अपडेट मीडिया के लिए कन्नौज से यश त्रिपाठी की रिपोर्ट।